से जी कैसे हो सब। मैं सुखविंदर राजपूत बात कर रहा हूँ, राजपूत जॉन से। ग्रेटर मोहाली न्यू सन इनक्लेव में एयरपोर्ट रोड पे मैं आपके लिए 4 BHK विलाज लेकर आया हूँ। बहुत स्पेशियस बने हुए हैं, स्पेनिश विला है हमारे, रेडी टू मूव में रहने वाले हैं। ये हमारी वेस्ट फेसिंग है, ये ईस्ट फेसिंग है, 1 मंथ पोजेशन है। वेस्ट ले लो, ईस्ट ले लो, ग्रेटर टाउनशिप का गेट नंबर 1 है, इसी से इन आउट रहेगा। गेट नंबर 1-2 पे फ्लैट्स है, 3 पे भी फ्लैट्स है, आगे 34 शॉप्स है, मार्केट है प्रॉपर। जो आप सीधा देख रहे हो ना हमारा गेट, अगर वहाँ से हम लेफ्ट कर लेंगे तो सामने 500 मीटर पे एयरपोर्ट रोड है हमारा। ये 23x46 है, 115 गज सुपर एरिया रहेगा, 110 गज कवर्ड एरिया इस विले का। इसमें प्रॉपर 4 बेडरूम है, 4 अटैच वॉशरूम है, 2 ड्राइंग रूम प्रॉपर है, 2 मॉलर किचन है। टॉप फ्लोर पे मॉन्टी ऐसे स्टोरेज कर सकते हो आप। ये हमारी वेस्ट फेसिंग है रेडी टू मूव में, ये हमारी ईस्ट फेसिंग है रेडी टू मूव में। सैंपल हमारा रेडी है बिल्कुल, मैं एक बार आपको सैंपल दिखा देता हूँ। हमारी मेन एंट्रेंस है जो, इस पे स्पेस अच्छी है, बहुत अच्छी स्पेस है मेन एंट्रेंस की। यहाँ पे आप 4-व्हीलर 7-सीटर 4-सीटर आराम से खड़ी कर सकते हो। यहाँ पे आप रेडीमेड गार्डन भी बना सकते हो, यहाँ पे 2-व्हीलर आराम से 3 खड़े हो जाएंगे। ये हमारी ग्राउंड फ्लोर की मेन एंट्रेंस है, हमारा 4 BHK विला का ग्राउंड फ्लोर है जिसमें 2 BHK सेट है। फर्स्ट फ्लोर भी दिखाऊंगा मैं आपको, फ्रंट एलिवेशन एक बार दोबारा से, स्टेयर के एरिया हर चीज़ विजिट कराऊंगा। सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर देखते हैं। ये हमारा स्पेशियस ड्राइंग रूम, बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। यहाँ पे 7-सीटर सोफ़ा भी लगा सकते हो, अभी 5-सीटर लगा हुआ है। डाइनिंग टेबल 4-सीटर है, आराम से लगा सकते हो, स्पेस बहुत अच्छी है। स्पेस यहाँ पे 2.5x5.5 की फ्लोर टाइल है, कजारिया की। वॉल पे एज इट इज़ ही वर्क मिल जाएगा आपको, और सीलिंग आपको एज इट इज़ मिल जाएगी। बीच में जैसे हमने प्रोफाइल लाइट दी हुई है एज इट इज़, जितनी क्वांटिटीज़ है लाइट्स की सब कुछ एज इट इज़ ही मिल जाएगा। वॉल पे एज इट इज़ ही वर्क मिलेगा आपको, एज इट इज़ ही बिल्कुल डिट्टो। मेन एंट्रेंस में गोदरेज का फिंगरप्रिंट लॉक मिल जाएगा, पैनल मिल जाएगा मॉलर किचन में, एज इट इज़ ही फर्स्ट फ्लोर में मिलेगा। और जो मैं इसकी एक चीज़ बता देता हूँ, ये हमने POP वर्क नहीं किया हुआ, ये जो वर्क है ये लकड़ी का काम है, इस पर हमने रॉयल का एशियन पेंट किया हुआ है, इसलिए फिनिशिंग इतनी अच्छी है। अच्छा काम किया हुआ है, पेंट का भी, कंस्ट्रक्शन का भी, हर चीज़ का, जितने भी डोर विंडो चौगाठे दरवाजे सबके ऊपर डोर भी। मैं 16 mm का सरिया, 6 लेंथे हैं, 8 के रिंग रहेंगे, और एक विला में टोटल 11 कॉलम दिए हुए हैं हमने, 1x9 के जो कॉलम रहेंगे। मॉलर किचन आ जाती है, स्पेशियस मॉलर किचन है, एज इट इज़ मिल जाएगी आपको। और मेरी तरफ से गुड विशेज है, ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करो, आपको बेस्ट प्रॉपर्टी मिले। एनी टाइम मोस्ट वेलकम, 7 डेज अवेलेबिलिटी, आप हमारे पास लो, कहीं पे भी लो, बस आपको अच्छी चीज़ मिलनी चाहिए। रोका की टैप एज इट इज़ आपको ये मिल जाएगा, स्लैब मिल जाएगी, अंदर भी सरमाइका वर्क है, पेंट वर्क तो कहीं पे भी नहीं है। फ्रिज के लिए अच्छी स्पेसेस जगह दी हुई है। यहाँ पे एक चीज़ दिखा देता हूँ मैं, ये जो आप देख रहे हो ना, ये लकड़ी की चुगाठ, ये सोडान टीक की है, इस पर पॉलिश वर्क है, जितनी विंडो चुगाठे दरवाजे सब पे पॉलिश वर्क है, फिनिशिंग बहुत अच्छी है। ये हमारा बेडरूम, फर्स्ट बेडरूम आ गया, 4 बेडरूम अभी विजिट कराने हैं मैंने आपको, स्पेस अच्छी है। बैक पैनलिंग साथ में देंगे, बेडरूम के साथ अटैच वॉशरूम, 2x4 की वॉल टाइल, और उक्का की बाथ फिटिंग है, वॉल हैंगिंग सीट है, वॉल हैंगिंग शेंक है, कबर्ड्स, चारों बेडरूम में सेम डिज़ाइन है। यहाँ पे LCD पैनल चारों बेडरूम्स में अलग अलग डिज़ाइन के मिल जाएंगे, अंदर भी कबर्ड्स के अंदर भी सरमाइका वर्क है। हमने कबर्ड्स और मॉलर किचन में ही फ्रंट एलिवेशन पे भी सरमाइका, अंदर भी मैट सरमाइका लगा रखा है, पर जो हमारे LCD पैनल हैं इन पे हमने सुडान टीक है जो, वो यूज़ की हुई है, और ऊपर पॉलिश हुई है। अगर पॉलिश नहीं करेंगे फिर हम डीको कर देते हैं आधी टीक पे, ये रहेगा सिस्टम। ये हमारा मास्टर बेडरूम, दोनों सेम साइज है, दोनों ही मास्टर बेडरूम है, बालकनी है, स्पेशियस बेडरूम एंड वॉशरूम की वेंटिलेशन है, बेडरूम एंड वॉशरूम की विंडोज़ है, अभी अंडरग्राउंड है यहाँ पे जो प्रवीज रहे हैं। दोनों ग्राउंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे दोनों बेडरूम्स की स्प्लिट एसी की प्रवीज ने बैक साइड पे निकल जाएंगी, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर की मॉलर किचन की ऊपर निकल जाएंगी।
ये हमारा स्पेशियस ड्राइंग रूम आ गया दोबारा। ये हमारा मास्टर बेडरूम है, दोनों ही मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम बस उसको बोल देते हैं जहाँ पे पीछे जाने के लिए रास्ता नहीं होता, उसको भी मास्टर बोल देते हैं। साइज़ बड़ा हो उसको भी बोल देते हैं। सबसे पहले बेड के जो सामने वाली है, जो हमने पैनल वर्क किया हुआ है, टीक के ऊपर हमने डीको किया हुआ है स्प्रे के साथ, क्रीमी डीको है। वॉल पे ये जो हमने पैनलिंग की हुई एज इट इज ही मिल जाएगी आपको, ड्रेसिंग एज इट इज मिल जाएगा। एलसीडी पैनल इस पर हमने डीको की हुई है टीक के ऊपर। जो आपने ये सामने वर्क देख रहे हो एज इट इज ही आपको पैनलिंग मिल जाएगी। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, इसमें बेड नहीं मिलेंगे, पर बेड की हमारे को बैक पैनलिंग भी आपको देंगे। यहाँ पे ग्रे डीको के साथ आपको प्रोफाइल लाइट, सीलिंग में प्रोफाइल लाइट एज इट इज ही मिल जाएगी। सब कुछ एज इट इज ही मिल जाएगा आपको, जैसा आप देख रहे हो विला का, इस बेडरूम का सॉरी। अटैच वॉशरूम 2x4 की वॉल टाइल अरुखा की बाथ फिटिंग है। ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर एज इट इज ही वॉशरूम है दोनों। उधर अलग कलर की टाइल है कजारिया की है। ये 2x4 मीन्स 2 फुट चौड़ी है और 4 फिट लंबी टाइल है। फ्लोर टाइल जैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ कि फ्लोर टाइल हमारी जो रहेगी वो 2.5x5.5 की है। ये हमारा स्टेयर का एरिया, स्पेशियस स्टेयर का एरिया रहेगा। एक बार फर्स्ट फ्लोर विजिट करा देता हूँ, बहुत स्पेशियस है स्टेयर का एरिया। आपको बालकनी से रस्सियों के साथ सामान खींचने की ज़रूरत नहीं है, जैसे मर्जी साइज का यहाँ से आप मटेरियल लेके जा सकते हो। स्पेशियस ड्राइंग रूम बहुत स्पेशियस है। मॉडलर किचन बेडरूम के साथ अटैच वॉशरूम रहेगा। स्प्लिट एसी की प्रोविजन है, जैसे मैंने बताया था चारों बेडरूम्स में, दोनों ड्राइंग रूम में मिल जाएंगी। जैसे मैंने बताया था अलग अलग डिजाइन के आपको एलसीडी पैनल कबर्ड्स वगैरह मिल जाएंगे। सॉरी बीच में फोन आ रहा है डिस्टर्ब करने के लिए। और मैं एक चीज बता देता हूँ आपको, देखो जी आपने 1,00,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करनी है, आपकी मेहनत की कमाई है। हर कस्टमर 80-85% लोन लेता है, विला फ्लैट कुछ भी हो। आपने 5 चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट करनी है, एक तो रेडी टू मूव में हो, अंडर कंस्ट्रक्शन ना हो, मतलब एक पॉइंट हो गया। दूसरा वहाँ पे 1, 2, 4, 5 फैमिलीज रहती हों, दूसरा पॉइंट। तीसरा रोड टू साइट व्हीकल डिस्टेंस, कैस किस लोकेशन पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। फोर्थ पॉइंट आ जाता है मटेरियल। अगर आप 5 जगह विजिट करोगे तो एक चीज़ आपको पसंद आई जाएगी, वो हमारी हो चाहे किसी की भी, वो आपका है। किसी की बातों में भी नहीं आना, कोई चाचे का लड़का हो, मैं हूँ, कोई भी हो, किसी की वीडियो अच्छी लगती है, बस आपने जो आपका डिसीजन है। आज के टाइम में देखो जी सब पढ़े लिखे हैं, कस्टमर जो इतने पैसे लगाएगा ऑब्वियसली है अच्छी पोजीशन पे जॉब कर रहा होएगा, अच्छी पोजीशन पे उसका काम चलता होएगा, आप अपना बिजनेस होगा। तो मैं उसी बात से आपको बोल रहा हूँ कि आपने अपने हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट करनी है और अपने हिसाब से अपना डिसीजन लेना है। मेन चीज़ ये है 1,00,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना है। यहाँ पे जो फ्लोर टाइल है वो 4x4 की फ्लोर टाइल रहेगी। कबड़ तो ग्राउंड के फर्स्ट फ्लोर के सेम ही है, सब कुछ एज इट इज ही मिलेगा आपको। ये हमारा फोर्थ बेडरूम है, अटैच वॉशरूम है, 2x4 की वॉल टाइल है, अरोका की बाथ फिटिंग है, कबर्ड्स एलसीडी पैनल्स एज इट इज ही मिल जाएगा आपको। बालकनी मिल जाएगी बैक साइड पे। वेंटिलेशन है, दोनों बेडरूम एंड दोनों अटैच वॉशरूम होगी। फ्रंट एलिवेशन, बस फ्रंट की बालकनी से दिखा देता हूँ, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं लेके जाऊंगा। कस्टमर मेरी कोई भी मेरी सर मैम वीडियो देख रहे हैं, हर बंदा चाहता है कि फटाफट आगे करें, देख ले मोटी मोटी। लाइव वीडियो है ना थोड़ी सी, इसलिए बड़ी हो जाती है, लोग शॉर्ट्स डालते हैं बीच में। हमने तो कंस्ट्रक्शन भी दिखानी है, अगर हमारा वहाँ पे काम चल रहा है वो भी दिखाएंगे, ईंट पड़ी है वो भी दिखाएंगे। लोग बस फ्रंट एलिवेशन साफ़ सुथरी जगह दिखाते हैं अंदर बाहर से, पर यहाँ पे सिस्टम है ही नहीं। आपके सामने है, 1 मंथ में रोड का काम कम्प्लीट है हमारा, और एनी टाइम मोस्ट वेलकम, 7 डेज अवेलेबिलिटी है। विजिट करने के लिए जब मर्जी आओ जी।